मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉडल्स, गुड मॉर्निंग, हरिओम। दिखाओ मॉडल की कॉपी, मॉडल की कॉपी बनाई है? यस सर। दिखाओ जरा स्क्रीन पे एक बार। वेरी गुड। कलर नहीं किए? सुंदर बनाने, कलर नहीं करी। हाँ, सुंदर बनानी होती है। सोनू कुमार, ओके सर। गुड सोनू। अमित राजपूत, वीडियो ऑन नहीं होती आपकी? और सोनिया, सोनिया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने मॉडल्स किए? मॉडल्स अच्छी तरह किए सोनिया? हाँ जी सर। वेरी गुड। कॉपी बना ली? हाँ जी सर। वेरी गुड। सोनू दिखा रहा है कॉपी। सोनू को भी थोड़ा कलरफुल करना चाहिए, सुंदर कॉपी बनानी है हमें। हाँ जी सर जी। सुंदर बनानी है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सुंदर कॉपी से पढ़ते हुए फिर अच्छा लगता है। सोनिया भी दिखा रही है। हाँ जी दिखाओ। गुड, वेरी गुड। राइट, ये हु इज दिस पासी? पासी साहब कौन है? नाम बताओ। नाम नहीं ठीक लिखा आपने। गॉन। ओके, आज हम नया टॉपिक करेंगे। क्या करेंगे बताओ, एनीबॉडी? आज मॉडल्स हमने कल समझ लिए, कल और एक दिन पहले दो लेक्चर हो गए उसके। अब इसके बाद नॉन फाइनाइट एंड जिरंड, ये 10th क्लास का टॉपिक है अकेला, इसलिए इसको अलग से 10th क्लास को कर 10th क्लास को कराएंगे। 11th में नहीं है जिरंड एंड नॉन फाइनाइट, ना 12th में है, है ना? तो एक कॉमन टॉपिक है, उसका अंदाजा लगाओ, जो 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। वो जी बताओ कौन सा हो सकता है? जो जी, और 9th में भी है। ऑल द 4 क्लासेस हैज दैट टॉपिक। क्लोज है जी। क्लोजेस अभी इस साल वो डिलीट हो गया है सिलेबस से। 12th में तो पहले से ही नहीं था, वो 9th, 10th और 11th में था क्लॉजेस। लेकिन इस बार आर्टिकल्स, आर्टिकल्स जिसके अंडर आते हैं उसे हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। डिटरमाइनर्स करेंगे आज, जिसमें आर्टिकल भी एक पार्ट है और वो हमेशा हमारे काम आते हैं। चारों क्लासेस में है वो, राइट? तो चलिए डिटरमाइनर्स की स्लाइड्स पे चलते हैं सीधे और डिटरमाइनर्स समझते हैं। हियर दे आर, देख रहे हो द स्लाइड्स ऑफ डिटरमाइनर्स? देख पा रहे हैं सभी अपनी स्क्रीन पे? यस सर। गुड। Yes. So what are they? Read Hariyam. Determiners. Determine करना. Determine means निर्धारित करना, तय करना, fix करना. What are they? क्या है? Determiners क्या होते हैं? So understand. Determiners are scattered across
Determiners are scattered across almost every sentence and many of us are blissfully unaware of it. हर सेंटेंस में डिटरमाइनर्स होते हैं. एवरी सेंटेंस हैज देम. स्कैटर्ड अक्रॉस ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस, हमारी हर बात में, हर वाक्य में हम डिटरमाइनर्स का यूज करते हैं. और मजे की बात यह है कि हम उन्हें जानते नहीं, यूज करते हैं, पहचानते नहीं. Many of us are blissfully unaware. हमें उनका पता नहीं होता, उनका पता लगाना है. Determiners are words placed in front of a noun or noun phrase to make it clear which object is being referred to. So this is the definition. What are they? Words placed in front of a noun. Determiners उन words को, उन शब्दों को कहते हैं जो noun से पहले इस्तेमाल होते हैं या किसी noun phrase से पहले इस्तेमाल होते हैं. Noun phrase means a group of words, शब्दों का एक समूह जिसमें नाम होते हैं, name of place, person and thing. In front of a noun or noun phrase to make it clear, क्या काम करते हैं determiners? Make it clear which object is being referred to. ये स्पष्ट करते हैं, तय करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट की बात हो रही है. Which thing is being referred to? किस विषय में बात हो रही है. विषय को निर्धारित करते हैं, ऑब्जेक्ट को तय करते हैं, फिक्स करते हैं. Let us understand again. Determiners are words. Determiners वे शब्द होते हैं placed in front of a noun, जिनको noun से पहले या noun phrase से पहले इस्तेमाल करते हैं ये स्पष्ट करने के लिए, to make it clear which object is being referred to, कि कौन से object की बात हो रही है. They are said to mark nouns or noun phrases. A posh way of saying determiners are followed by a noun, noun phrase. इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि determiners वे शब्द होते हैं जिनके पीछे हम किसी नाम या नामों के समूह को इस्तेमाल करते हैं. जिनके पीछे नाम या नाम के समूह, noun or noun phrases use होते हैं. To make this a bit more understandable, a few examples might help. इसको और अच्छे से समझने के लिए ये कुछ example देखो. Again, determiners tell the reader we are referring to. Determiners reader को बताते हैं कि हम इस चीज की बात कर रहे हैं, इस चीज की बात कर रहे हैं. A specific or general thing. क्या क्या बताते हैं? या तो बताते हैं कि कोई चीज स्पेसिफिक है, स्पेशली किसी चीज को रेफर करते हैं, या कि वो चीज आम है, जनरल है. जैसे द क्लासरूम और अ क्लासरूम. जैसे जिस क्लासरूम में हम बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? द क्लासरूम वी आर सिटिंग इन. जिस क्लासरूम में हम बैठे हैं, तो द जो है वो डिटरमाइनर है और ये स्पेसिफिक क्लासरूम की बात कर रहा है. उसी क्लासरूम की बात कर रहे हैं जिसमें हम बैठे हैं, जिसके संबंध में बातें हो रही हैं. और जब अ क्लासरूम की बात करते हैं तो ये कोई भी क्लासरूम. अ क्लासरूम, जैसे स्टूडेंट्स को एक क्लासरूम चाहिए, पढ़ने के लिए एक क्लासरूम की जरूरत है. कौन सा क्लासरूम है स्पेसिफिक नहीं है. एनी क्लासरूम विल डू, कोई भी रूम चलेगा. तो ए जो डिटरमाइनर्स है वो जनरल क्लासरूम की बात कर रहा है, किसी भी क्लासरूम की. और द उसी क्लासरूम की बात कर रहा है जिस संबंध में हम बात कर रहे थे, जहां हम बैठे हुए थे ना?
द स्पेसिफिक क्लासरूम, जैसे द स्टूडेंट, हम उस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो अभी सामने खड़ा है, जो कि फर्स्ट आया था, स्पेसिफिक हो गया, जिसने कल परफॉर्मेंस अच्छी दी थी, जिसका पेपर रिमार्केबल रहा है, उसकी वो स्पेशल स्टूडेंट हो गया, द स्पेसिफिक स्टूडेंट हो गया। और जब हम कहते हैं अ स्टूडेंट मस्ट बी पंक्चुअल इन द क्लास, अ स्टूडेंट, अब ये सभी स्टूडेंट की जनरल, स्टूडेंट इन जनरल की बात हो रही है जब ए का इस्तेमाल करते हैं। तो डिटरमाइनर क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, बता रहा है कि ये स्पेसिफिक चीज है या कि जनरल चीज है। दूसरा हाउ मैनी, और डिटरमाइनर क्या बताता है कि कितने हैं, कोई चीज संख्या में कितनी है, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी। तो ये क्या ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स, नाउन है स्टूडेंट्स, इसके बारे में डिटरमाइनर, ये डिटरमाइनर बता रहा है कि बहुत सारे थे, सेवरल, कई सारी किताबें थी, सेवरल बुक्स। तो हाउ मैनी बताएगा डिटरमाइनर, और डिटरमाइनर बताएगा कि कोई चीज स्पेसिफिक है या जनरल है। तीसरा समथिंग वी आर पॉइंटिंग एट, जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, डिमोन्स्ट्रेशन को दिखाएगा, डिमोन्स्ट्रेशन को एक्सप्रेस करेगा, दिस वर्क, दैट डिस्प्ले, ये वाला काम, वो देखो जो सामने डिस्प्ले हो रहा है, जो सामने प्रदर्शित है, दैट दूर की तरफ इशारा, दिस पास की तरफ इशारा। यानी डिटरमाइनर क्या करेगा, इशारा करेगा, पहला उपयोग क्या, स्पेसिफिक या जनरल थिंग बताएगा, संख्या बताएगा, मात्रा बताएगा, और इशारा करेगा। इशारा करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनको डिटरमाइनर्स कहते हैं। स्पेसिफिक और जनरल थिंग्स को जो स्पष्ट करता है उसको डिटरमाइनर कहते हैं, संख्या या मात्रा जो बताता है उसको डिटरमाइनर कहते हैं। और समथिंग ओन्ड बाय समवन, कोई चीज किसकी है, किसी चीज का मालिक कौन है, ये भी बताने वाले शब्दों को डिटरमाइनर कहते हैं। कौन सी चीज किसकी है, जैसे हिज पेन, हर होमवर्क, उसका पेन, उसका काम, उसका होमवर्क, ये हिज और हर क्या बता रहे हैं कि ये होमवर्क किसका है, ये पेन किसका है, पजेशन बता रहे हैं, isn't it? तो कितने, चार काम, पांच काम हो गए। डिटरमाइनर क्या क्या बताएगा कि कोई चीज स्पेसिफिक है कि जनरल है, आम है कि खास है, दूसरा कितनी है, हाउ मैनी, तीसरा किस किधर है, किस तरफ है, और जो ये अगला पांचवा कौन सा हुआ कि किसके, किसकी है, किसके पास है, कौन इसका मालिक है। अ सेट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फिर संख्या बताएगा, संख्या को बताने वाले शब्दों को भी डिटरमाइनर कहते हैं, टू चेयर्स, थ्री डेस्क, और क्वेश्चंस, क्वेश्चन बनाने वाले शब्दों को, विच, व्हाट, हाउ, व्हाई, ये भी डिटरमाइन करते हैं, विच चेयर, कौन सी चेयर, तो बताएंगे दिस चेयर या दैट चेयर, डिटरमाइनर में आंसर आएगा, या हिज चेयर, हर चेयर। तो डिटरमाइनर क्या क्या करेगा, स्पेसिफिक और जनरल चीज के बारे में बताएगा, कितनी है संख्या बताएगा, मात्रा बताएगा, और पॉइंट करेगा किस तरफ है, किधर है, डेमोंस्ट्रेट करेगा, तीसरा किसकी है बताएगा, संख्या बताएगा अगेन, और क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन बताएगा। इसको और नाम आप देते हैं, टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, इन कामों के आधार पर डिटरमाइनर्स को किन भागों में बांट सकते हैं। डिटरमाइनर्स आर ए काइंड ऑफ नाउन मॉडिफायर, इसको एक और आसान परिभाषा दे दी, नाउन में कुछ जोड़ने वाले शब्दों को, नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को
they precede and are necessarily followed by nouns. उनके पहले भी noun हो सकती है और बाद में तो होती ही है. Determiners वो शब्द हैं जो noun को modify करते हैं, noun में कुछ जोड़ते हैं, noun में कोई सुधार करते हैं, noun के बारे में कुछ स्पेसिफिक देते हैं, बताते हैं. और दूसरा, उनके पहले भी कोई नाउन हो सकती है और उनके बाद तो होती ही, पहले भी हो सकती है बाद तो होती ही. इनके प्रकार देखो, सबसे पहले जो डिटरमाइनर्स होते हैं उनका नाम है आर्टिकल्स. 12th क्लास में केवल आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स पूछे जाएंगे हमसे. बाकी 10th में, 11th में और 9th में सारे हैं ये. क्वांटिफायर्स, डिमोन्स्ट्रेटिव्स, नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, पजेसिव्स, डिफरेंस वर्ड्स और डिफाइनिंग वर्ड्स. इनको एक एक करके समझें. आर्टिकल्स, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द नाउन. आर्टिकल वही डिटरमाइनर वाली परिभाषा, एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है या नाउन में कुछ जोड़ता है, नाउन को मॉडिफाई करता है और स्पष्ट करता है और सुधारता है. ये दो तरह के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन और डेफिनेट आर्टिकल्स द. इनको फिर डिटेल में आगे देखेंगे, अभी संक्षेप में समझ लें. आर्टिकल उन शब्दों को कहते हैं जो किसी नाउन से पहले आकर उस नाउन में कुछ जोड़ते हैं, उसको डिफाइन करते हैं. दूसरा है क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी जो बताते हैं. एक तो क्वांटिटी होती है, एक क्वालिटी होती है. क्वांटिटी का मतलब संख्या. दे आर एडजेक्टिव्स और फ्रेजेस that serve to answer two possible questions. Quantifiers ऐसे विशेषण होते हैं, adjectives होते हैं या शब्दों का समूह होते हैं जो कि दो प्रश्नों के उत्तर देते हैं. कौन से दो प्रश्न? How many and how much. कोई चीज संख्या में कितनी है, कोई चीज मात्रा में कितनी है. संख्या में कितनी है, जैसे हम पीपल, स्टूडेंट्स, कमरे गिनते हैं तो उनको किसमें गिनेंगे? संख्या में. 10 कमरे, 15 स्टूडेंट, है ना, 20 लोग, ये क्या है? हाउ मैनी. और कोई चीज मात्रा में है, जैसे पानी कितना है बाल्टी में, जग में दूध कितना है, ठीक है, इसको किसमें करेंगे? हाउ मच में. बैग में कितने चावल हैं, हाउ मच. तो इसको हम कहेंगे, इसके लिए कौन कौन से शब्द हैं? मच, अ लिटल, अ बिट. मच, अ लिटल, अ बिट, अ ग्रेट डील ऑफ, इस तरह के शब्द हैं ये क्वांटिफायर्स. ये क्वांटिफायर्स हैं. डिमोन्स्ट्रेटिव्स, डिमोन्स्ट्रेटिव चार ही हैं जो इशारा करते हैं. दे डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कहां पर है. सीन फ्रॉम द स्पीकर्स व्यू पॉइंट, बोलने वाले की दृष्टि से कोई चीज कहां है, किस तरफ है. तो बोलने वाला कहेगा दिस चेयर, दैट गर्ल, दीज बॉयज, दोज ट्रीज. ये इशारा, बोलने वाला जिस तरफ इशारा करता है वो कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है. ये चार ही डिमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज. दिस और दीज नजदीक को दिखाने के लिए है और दैट और दोज दूर को दिखाने के लिए, ठीक है. दिस नजदीक के सिंगुलर नंबर को, दीज नजदीक के प्लूरल नंबर को, दैट दूर के सिंगुलर नंबर को और दोज दूर के
प्लूरल नंबर को दिखाता है. दिस फोर्थ काइंड है नंबर्स. नंबर्स आर कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. दो तरह के नंबर होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल. जैसे वन को जब हम एक दो तीन कहेंगे और जब फर्स्ट सेकंड थर्ड कहेंगे तो वन टू थ्री को कार्डिनल बोलते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऑर्डिनल बोलते हैं. कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. सो दीज आर द नंबर. जैसे वन बॉय, टू रूम्स, थ्री गर्ल्स, इसी तरह हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट रूम, ठीक है ना, फर्स्ट मंथ, दिस वे. सो दीज आर द नंबर्स. देन डिस्ट्रीब्यूटिव्स, कुछ ऐसे डिमोन्स्ट्रेटिव होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन की ओर इंडिकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं. द वर्ड्स जैसे ऑल, बोथ, हाफ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव्स. जैसे हम कहते हैं ऑल द बॉय, बोथ द ब्रदर्स, ऑल द बॉयज, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमंग ऑल द बॉयज, सभी बच्चों में बांट दो. डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी बिटवीन बोथ द ब्रदर्स, दोनों भाइयों में बांट दो. हाफ, ईच, एवरी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं. फिर है पजेसिव्स. एक फंक्शन क्या हमने पढ़ा था डिमोन्स्ट्रेटिव का, कि कौन सी चीज किसकी है, हिज, माइन, योर, किसकी है. पजेसिव प्रोनाउन्स एंड एडजेक्टिव्स इंडिकेट हु एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू. कोई चीज किसकी है, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, माय, योर, हिज, हर एंड इट. इट की बजाय इट्स. डिफरेंस वर्ड्स, कुछ वर्ड्स डिफरेंस क्रिएट करते हैं, दे रेफर टू समथिंग डिफरेंट और रिमेनिंग और मोर, कुछ अलग, कुछ बचा हुआ, कुछ और को दिखाने के लिए. अदर, अनदर, अदर बॉय, अनदर बॉय, अनदर मैन, ये डिफरेंस क्रिएट. एंड डिफाइनिंग वर्ड्स, डिफाइनिंग वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, दे इंडिकेट विच थिंग और पर्सन इज बीइंग रेफर्ड टू. अगेन, विच बॉय, विच गर्ल, विच स्टूडेंट, दिस वन और दिस वन, दिस वन और दिस वन. डिफाइनिंग वर्ड्स जो डिफाइन कर देता है कि एक्चुअली इनमें से कौन, विच वन, हुज, विच, हुज बुक इज दिस, हुज नोटबुक इज दिस, इज दिस नोटबुक बिलोंग्स टू दिस गर्ल और दिस बॉय, डज दिस बुक बिलोंग टू दिस गर्ल और दिस गर्ल. सो डिफाइनिंग वर्ड्स. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ determiners. और स्पष्ट करें इनको, देखो फिर से देखें. देर आर ए नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग आर्टिकल्स. सबसे कॉमन जो है determiners में वो आर्टिकल्स है. अगेन दीज रेफर टू ए स्पेसिफिक और जनरल थिंग, ये किसी खास या आम चीज को बताते हैं कि कोई चीज खास है या कि आम है, स्पेशल है कि जनरल है. द क्लासरूम और ए क्लासरूम, देर आर ओनली थ्री आर्टिकल्स, ए, एन एंड डी, जिसमें हमने देखा था ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है, अनिश्चित हैं, स्पेसिफिक नहीं बताते, जनरल थिंग की बात करते हैं, और द जो है स्पेसिफिक की बात करते. क्वांटिफायर्स, these refer to how many, lots of or several, kitni hain. Demonstratives, these refer to something we are pointing at, jab ishara karte hain, this work, that display. Possessives, these refer to something owned by someone, kaun si cheez kiski hai, his, her. Numbers, two, three. Questions, which, what. Distributives, all, both, half, either, neither, each, every, ye distribution karte hain. Difference,
other or another or predeterminers such, what, rather, quite. Articles की प्रैक्टिस करते हैं. Articles are among the most common of the determiners. They are three singular articles. A, an, and the. A and an are indefinite articles. इन्हें हम अनिश्चित articles बोलते हैं. And are used when the speaker is talking about a general version of the noun. जब हम general noun की बात कर रहे हैं, किसी specific noun की बात नहीं कर रहे हैं, तब हम a या n का यूज करते हैं. For example, a student in year 6 needs to work hard to do well in their sets. अपने होम एग्जामिनेशन में, सेट्स में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए किसी भी बच्चे को, स्टूडेंट का मतलब कोई भी विद्यार्थी, किसी भी विद्यार्थी को मेहनत करनी पड़ेगी. और जब हम कह रहे हैं द स्टूडेंट, फिर हम किसी खास बच्चे की बात कर रहे हैं जो हमारे सामने खड़ा है, जो दो बार फेल हो चुका है, जिसकी पापा मम्मी की शिकायत आई थी, वो स्पेसिफिक हो गया. जब कोई ऐसा स्टूडेंट है तो फिर हम क्या यूज करेंगे, द, फिर द यूज करेंगे. अ स्टूडेंट इन ईयर 6, छठी क्लास का जो बच्चा है, नीड्स टू वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम की जरूरत है सेट्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए. द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट एनी स्टूडेंट, तो ये सेंटेंस किसकी बात कर रहा है, एनी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी, किसी भी विद्यार्थी की. इनडेफिनिट है ये स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन है, इनडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है, अनस्पेसिफिक है, जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है ये. When the meaning is general, an indefinite article is used. Of course, a is used before words that begin with consonants, while an is used before words that begin with vowels. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि a और n में से, जो कि दोनों indefinite हैं, a का use कब और n का use कब किया जाए? When to use a or when to use an. So a is used before words that begin with consonant. A ka use kisi consonant se shuru hone wale shabd se pehle aur n ka kisi vowel se shuru hone wale shabd se pehle istemal karte hain. Jaise boy ke sath a aur hum ink ke sath, ink pot ke sath an ink pot, kyunki i se shuru hota hai. On the other hand, the is a definite article. The definite article has specific thing ko batayega and is used when the speaker is referring to a specific noun. For example, the student needs to work hard to do well in their sets. Ye jo student abhi hamare samne khada hai, wo jo student first bench pe baitha hai, wo student jo shararat kar raha hai, उस स्टूडेंट की बात हो रही है, ये स्पेसिफिक. द सेंटेंस इज रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, इट इज नॉट अ जनरल स्टेटमेंट बट अ स्टेटमेंट अबाउट अ स्पेसिफिक स्टूडेंट. ये सभी स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी एक स्टूडेंट की बात हो रही है जो कि अभी नजरों के सामने है. राइट, ये all about article. Demonstratives, इशारा करने वाले शब्द. There are four demonstratives. चार थे demonstrative, this, that, these and those. Demonstratives are used where the speaker can point to the item they mean. जिस item की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, इशारा करने वाले शब्दों को डिमोंस्ट्रेटिव्स बोलते हैं. जैसे कोई कहता है दैट स्टूडेंट, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग देयर, वो जो वहां खड़ा है टूर के विद्यार्थी को इंडिकेट करने के लिए, दैट स्टूडेंट. द
दिस एंड दिस रेफर टू ऑब्जेक्ट्स नियर बाय पास वाले ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए दिस और दिस एंड दोज रेफर टू आइटम्स फार अवे दूर की चीजों को दिखाने के लिए दिस एंड दोज दिस एंड दैट आर आल्सो सिमिलर व्हाइल दिस एंड दोज आर प्लूरल क्वांटिफायर्स क्वांटिफायर्स इंडिकेट हाउ मच और हाउ लिटल ऑफ द नाउन कितनी है कितनी कम है कितनी ज्यादा है ये बताने के लिए दे इंक्लूड वर्ड्स सच एज ऑल फ्यू मैनी ऐसे ऐसे शब्द फॉर एग्जाम्पल फ्यू स्टूडेंट्स लाइक डूइंग सेट्स कुछ ही बच्चों को ये संख्या बता रहा है क्वांटिटी कुछ ही बच्चों को सेट्स एग्जाम देना अच्छा लगता है Please note that all can be used with other determiners to specify which particular items are meant. For example, all of the students. All को इस तरह से भी use कर सकते हैं. Possessives. Possessives कौन से demonstratives होते हैं जो बताते हैं कौन सी चीज किसकी है. Possessives refer to a noun that belongs to someone or something. उन नाउन्स को बताने के लिए जो कि किसी खास विद्यार्थी की या व्यक्ति की है पजेसिव इंक्लूड माय योर हर इट्स आवर एंड देयर फॉर एग्जांपल माय स्टूडेंट्स आर वेल बिहेव्ड दिस ये माय क्या बता रहा है द स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू Whom? किसके विद्यार्थी हैं किस क्लास के हैं किस टीचर के हैं किस स्कूल के हैं नाउ चूज करेक्ट डिटरमाइनर्स कुड यू ब्रिंग मी दीज और दोज बुक्स आई लेफ्ट इन द गार्डन Who will tell? Vinay. Could you bring me these or those books I left in the garden? Garden से determine करो these ठीक है कि those ठीक है Sir, these ठीक है क्यों garden कहाँ है अभी those sir those yes those is right garden is somewhere else ठीक है सर दिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस व्हिच इज नॉट बिफोर योर आईज नाउ ठीक है सर कुड यू ब्रिंग मी दोज बुक्स आई लेफ्ट इन द गार्डन लेफ्ट से पता चल रहा है डिस्टेंस का ठीक है सर लेफ्ट भी दूर की बात कर रहा है ना पास्ट की बात कर रहा है चलिए नेक्स्ट द और अ सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट हरिओम कोई दूसरे सन को हम नहीं जानते अगर दस पांच सन होते तो फिर हम कह सकते थे अ सन वी नो दैट देयर इज ओनली वन पता है हमें अकेला है एक ही है इसीलिए चलिए नेक्स्ट शालनी द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू ईट अ एंड द एप्पल एवरी मॉर्निंग सच्ची है एप्पल आएगा गुड क्यों था क्यों नहीं यस क्यों सच्ची है कि एप्पल एप्पल किससे शुरू हो रहा है वोवल है जी वोवल वोवल से शुरू हो रहा है राइट चलिए सुशील देर आर नॉट एनी सम स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी संख्या बता रहा है एनी आएगा क्यों कौन बताएगा देर आर नॉट एनी और सम स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी सम क्यों नहीं आएगा अमित तो मतलब कुछ
फिक्स नहीं है सर. रजविंदर सम क्यों नहीं, सम क्यों नहीं लिखे गए? अनम्यूट अनम्यूट योर सर. यस यहाँ पे एनी क्यों लिख रहे हैं, सम क्यों नहीं लिखे? देर आर नॉट स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी. यस धीरज क्या बोल रहा है सर? हमें ये नहीं पता स्टूडेंट्स लिख रहा है सर, हमें ये नहीं पता कौन से स्टूडेंट है. नहीं वो तो वो तो सम से भी वही है, सम से सम में भी हमें नहीं पता कौन है, एनी में भी नहीं पता कौन है ना? यस सर. ये इसके लिए आप याद रखेंगे कि जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो एनी है और जब पॉजिटिव है तो सम है. नेगेटिव के साथ एनी और पॉजिटिव के साथ सम. अगर हमें कहना देर आर सम स्टूडेंट्स इन द, अगर कहेंगे देर आर सम स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी, कुछ हैं बच्चे लाइब्रेरी में. और जब नहीं कहना है कोई भी बच्चा नहीं है तो क्या आएगा? एनी. नेक्स्ट आ जाएगा आप सोनू. आई हैवंट गॉट एनी सम पिक्चर्स इन माय बेडरूम. एनी राइट? जी एनी आएगा. हाँ एनी आएगा. और अगर नॉट नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा? सम. तो ये बात ध्यान रखनी है. एनी किसको इंडिकेट करता है? नेगेटिव को, और सम पॉजिटिव को. नेक्स्ट, शी गेव अ कुकी टू ईच और एवरी चाइल्ड. ईच और एवरी. सोनिया विच वन? ईच और एवरी. ईच. ईच क्यों? एवरी क्यों नहीं? कौन बोला? कौन बताएगा? रजविंदर माइक में बोलो. ईच और एवरी. ईच आएगा सर जी. शायद ईच आएगा शायद. चलिए और कोई ट्राई करेगा? जी सर जी. क्यों भी बताना है, क्यों आएगा?